नमस्कार श्रीमते वीरनाथाय सनाथाय अद्भुत श्रीय महानंद सरोराज मरालाय रते नमः। जिस प्रभु के शासन के अंदर अद्भुत आराधना साधना चल रही है, आज हमारी यात्रा पूरे भारतवर्ष के जो भी प्रभावशाली तीर्थ भूमि है पानसर नगर की धन्य धरा के ऊपर आई है। यहाँ पर भव्य सक्रस्त महाअभिषेक, प्रभु के समीप जाने का भक्ति महाअनुष्ठान, इतना भव्य ये महातीर्थ है। प्राचीन समय से पूरे गांव के अंदर पूरा इसका जो इतिहास है, इसकी जो जबरदस्त महिमा है, शास्त्रकार भगवान तो उनकी जो परंपरा के अंदर बताया गया है कि रावड़िया नाम का वास के अंदर कलोल से 7 किलोमीटर दूर ये महामंगलकारी पानसर तीर्थ आया है, जहाँ पर मूलनायक महावीर स्वामी जी भगवान हैं। और एक बहन को जमीन को खोदते खोदते बारिश के मौसम के अंदर ये प्रतिमा जी भूमि में से बाहर निकली और पूरी तरह से यहाँ आसपास के सभी लोगों ने, अहमदाबाद के कई सारे श्रेष्ठियों ने अलग अलग प्रकार का आर्थिक सहयोग करके अद्भुत गगनचुंबी जिनालय, 3 शिखर का जबरदस्त जिनालय है, प्राचीन प्रतिमा है और मनमोहक ऐसा दृश्य, जिनको भी ध्यान करना है, मेडिटेशन करना है, साधना करना है, कोई विशिष्ट कोटि की अनुभूति करना है, उन सभी के लिए परम पावन तीर्थ भूमि यानी ये पानसर महातीर्थ और महावीर स्वामी जी भगवान है। 24 तीर्थंकर भगवंतों में भी सबसे ज़्यादा जिनका हमारे ऊपर उपकार है, जैसे महावीर स्वामी जी भगवान, उनकी ध्यान, उनकी साधना, हमारे गुरुदेव चंद्रशेखर विजय जी महाराज साहब जी बता देते कि जो मनुष्य 6 महीने तक लगातार प्रभु महावीर स्वामी जी की पूजा करता है, उनको सोने का बरख लगाता है, लाल पुष्प समर्पित करता है, मन चाहा इंचित परिणाम उनको प्राप्त हो सकता है। जरूर ये पूरे तीर्थ का आप नज़ारा देखिए, प्रभु का महाअभिषेक देखिए और एक बार जरूर जो भी पूरे विश्वभर में से ये महातीर्थ को देखना चाहते हैं, अनुभूति करना चाहते हैं, जरूर आप पानसर आइए। यहाँ पर पुनरिक स्वामी जी क्षेत्रपाल देव अभी कुछ ही दिनों के पहले वर्तमान गच्छाधिपति, तपा गच्छाधिपति, ऐसे हमारे तपा गच्छ के नायक जय घोषेश्वर जी महाराजा यहाँ पर बता रहे थे। कुछ विशिष्ट कोटि के बीज मंत्र, भोजनशाला भी अच्छी है, धर्मशाला भी अच्छी है, वही पानसर तीर्थ को देखते, प्रभु को भेजते हुए कोई विशिष्ट कोटि की महाअनुभूति और एक ही प्रार्थना, अणु परमाणु शिव बनी जाओ, आखा विष्णु मंगल थाओ, सर्वे जीवो मोक्षे जाओ, अरहम मैया अमर दबो। जिनको साधना के क्षेत्र में आगे आना है जरूर एक बार पानसर पधार करके दिव्य अनुभूति करें। आपको ये वीडियो जरूर अच्छा लगा होगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कॉमेंट कीजिए और एक नए तीर्थ के इतिहास के साथ में हम आपके सामने, ये तीर्थ का जो प्रतिष्ठा है इसके अंदर इतना ज़्यादा जो तेज है, तो पूर्वकालीन समय के अंदर यहाँ पर बाबजी महाराज ने जबरदस्त कोटि की प्रतिष्ठा विधि कराई थी। उनका वालवोड भी आपने देखा होगा, वहाँ का विजय पता का यंत्र भी देखा होगा और आज भारत में भी कई सारे ऐसे साधक हैं जिनको बाबजी महाराज की अनन्य कृपा प्राप्त हो रही है। तो ऐसे सदगुरुओं को नमन करते हुए, प्राचीन तीर्थ भूमि को नमन करते हुए, सभी का मंगल, सभी का कल्याण, एक नए विषय के साथ वापस आप सभी के सामने हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए मुझे रजा दीजिए, प्रणाम, जय जिनेंद्र।